हाँ मैदान सड़क सड़क गांव की पंचायत के लिए अभी के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल करा रखी है। इन कोई पंचायत को कोई बजट नहीं है, सारो आपकी पॉकेट मनी सु दे रही है। गांव में ते चाल एक बार देखो, अब एकदम यहाँ लगे जानो दिवाली सी रहे गांव कमाए एकदम रोजाना। देखो आज जल को चैनल मारकन आए तो मानता हो तो बढ़िया लग रहा जानो, मैं खुद ही जलकेड़ा सा हो रहा। नमस्कार साथियों, मैं इंद्र फोगाट और थे देख रहे हो जलको सीकर। जलको सीकर पर आपनों बहुत बहुत स्वागत है। थे हमारे पीछे यहाँ देख रहे हो कि एम्बुलेंस है और उन्हें एक पानी का टैंक और ट्रैक्टर खड़े हैं, तो खटे पहुंचे आप बेरी गांव है और तारपुरा कने हो और अठा का जगह सरपंच जी एक अलग तरीका को काम कर रहे हैं गांव की पंचायत के लिए। अगर कोई भी तरीके की कोई अगर कोई घटना हुआ है तो भी के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल करा रखी है। गांव का मान जहाँ कचरों वगैरह या फिर कुछ भी जो सार्वजनिक ट्रॉली और ट्रैक्टर उपलब्ध करा रखे हैं, साथ साथ में जहाँ कोई जहाँ पीबा के पानी की वजह अपने शादी ब्याह का मान हो जाए तो पानी के लिए टैंकर है, तो इस तरीका का जो एक नयो नवाचार गांव का मान करें बेरी गांव का सरपंच जी है, तो बहुत भी बातचीत करा और साथ में देखा कि आखिर आज सब चीजों का ही उद्देश्य है और वो आइडियो आन खड़ा से आयो और इको आको पर्पज के है लैंड को पीछे वो। राजी राम 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 जी राम राम। क्या कहना चाहते सरपंच जी, बहुत बड़े बड़े काम करा रहे, मैं सुनी सुन के आया दूर मैं बहुत बढ़िया काम करे मैं तो मौज कितनी बार तो बढ़िया जी। आप पहले अठे पैदल जाता है, मैं कच्चा माकर जाता खत्म होकर जाता पैदल जाता ओडे के तक डंडी पर। हां हां रोड प्रसिद्ध बनाट बने तो मौज होगी कैसे भाई जी। हाँ मौज कदी सा मौज कदी सा गया जी। हाँ मैदान सड़क सड़क गावानी और के मैं तो रतड़ा मिलती मिलती ठीक है। एक गांव के मान जद कदम रखे होते दाइज रहे। हाँ जड़ा अमर अब मैं कतों फरक हो अब वो गुस्सा ही हो गो सब बदल गो सब क्यों बदल गो और क्या सब क्यों बदल गो मैं आया पाई तो। हाँ देखो आज जल को चैनल मारकन आए तो मानता हो तो बढ़िया लग रहा जानो, मैं खुद ही जलकेड़ा सा हो रहा और ते बटिंग देख रहे हो कि लेडीज वगैरह आ रही तो महेंद्र जी तान तो मैं बढ़िया बढ़िया देख रहा लेकिन लेडीज आ सोच रही मारकन थोड़ी सी खुशबू कम है। जो ते 6 तारीख में मैं एक अपने बेरी गांव का शहीद होड़ा ही गौरी शंकर जी गुर्जर इकी डाणी का ही और बान श्रद्धांजलि स्वरूप एक रक्तदान शिविर लगा रहे 6 तारीख ने पंचायत भवन में। तो मैं तारा एक निवेदन करा कि अब की बार भी खुशबू बिखेरवा खातर खुशबू जी लेके आज सरपंच जी किसो काम करा रहे हैं गांव में। बहुत बढ़िया काम कराए साहब, बले बले सरपंच जी ने बहुत ही बढ़िया कराया। तो अभी और ये गांव का मान जी हमें देखिए कि नई नई बात की सरपंच जी स्कीम ले रखी है एम्बुलेंस की सेवा फ्री करा मिली है तो और गाँव का मान भी ना कौन सा है ही कौनी जोन ने जिले में भी कौनी आज तो सीकर जिला में एक रोड बुनी है 1 किलोमीटर पली बुनी है पल और स्थान है सरपंच तो बेरी गाँव में आया ही नहीं साहब। मैं आपके पधारे जलको चैनल के लिए यहाँ देवनगर बेरी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपने ये समय निकाला। हमारे सरपंच प्रतिनिधि सुखराम जी सार सर चुनाव में मतलब बजट के हिस्सा लिया उनको जिताया फिर उसने घोषणा की थी कि हम एम्बुलेंस देंगे गांव में लेकिन उसके एम्बुलेंस के साथ में एक बोनस भी दिया, ट्रैक्टर ट्रॉली दिया, सफाई के लिए मृत पशुओं के लिए क्रेन दिया, एम्बुलेंस दिया। बाद में उनके काम से धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, गांव में इतना अच्छा काम किया पूरे राजस्थान में ही एक सरपंच का बहुत बड़ा लेवल हो गया, मतलब आज तक ऐसी सुविधा नहीं मिली फ्री में। अरे अपने निजी पैसे से वो अपना उसका मंथली खर्चा उठाते हैं उनका, कोई पंचायत का पैसा नहीं लगता उसका। हमारे जिले में सबसे बहुत ही मतलब अच्छा काम करिए भाई कि हमारा गाँव है इकट्ठे काम करो कोई काम काम करें एम्बुलेंस की सुविधा है और वहाँ पे जो ट्रैक्टर ट्राली की है और हर तरह की सुविधा दे रखी है, शौचालय की पानी की टैंकर की सुविधा, मतलब सारी जनता खुश है गांव की बहुत ही खुश है। वास्तविक काम में दिख रहे वास्तविक दिख रहे जनता साथ देख रहे की बहुत ही बढ़िया काम, सब खुश गांव का खुश है कि भाई सारा सहमत हुई बात। हाँ सब सहमत है, बहुत सहमत है, गांव खुश है एकदम से। सबसे पहले तो जलको सीकर अपना चैनल वाला अठाए सारी टीम ने धन्यवाद और सबसे बढ़िया काम है कि सिक्का झुंझुना की सीमा पर वो काम है लास्ट कोणा पर तो बढ़िया काम हुए है और नई देवनगर नाम भी देवनगर ई रोड की वजह लिखे गए अत्ता दिन कोई देवनगर नाम को नहीं है बस पुरानी डाड़ी ही अठे बटगार बसिया भाई जगह है मेन बटिया से इकट्ठा हो रहा कहीं और सबसे बड़ी बात आप भी होगी सिक्का जिला में यहाँ कोई गाँव नहीं ये गाँव की लास्ट डाणी है और लास्ट डाणे में ई डाणे में 2 शहीद हुए एक बीएसएफ से एक आर्मी से एक 1905 भूमि है एक 2005 में लेकिन नहीं पवित्र भूमि है चलो सह सम्मान कर रहे हैं जान भी रहे
अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक पटल पर आज तक कोई भी आदमी हथियार सुविधा को नहीं अर्पित करे। गांव का सरपंच ही होना ही कि खुद सोचिए समझिए। लोग जो देख रहे हैं वहां कंफ्यूजन हो जाए कि खड़े हैं ये तो कोनी के पक्ष पक्ष सारा ने भिड़ा करा कि सरपंच जी वह बात को नहीं, वास्तविक काम हो रहा है ना, वो वास्तविक काम है। अति भी है सरपंच जी ने जो बेरी गांव का बने चुनाव पहली गांव में नैबे कौन जानता, नैबन कोई गांव जान तो जटे भी कोई कन गया है क्यों जानो के कौन जाना, वो भी कौन जानता, ये गाँव वाला भी कौन जानता। तो अभी बेरी गांव के सरपंच जी अपने मौजूद है। सर मेरा नाम अखिलेश नायक, ग्राम पंचायत बेरी सरपंच। मेरे को 2 साल 6 महीने हो गए, मेरे को गांव वालों ने अच्छी तरह से चुना था, इसलिए मैंने गांव के लिए अच्छी सुविधा की, एक ट्रैक्टर ट्रॉली एम्बुलेशन और पानी का टैंक गांव वालों के लिए फ्री सुविधा के लिए उपलब्ध कराया है। पहली बार चुनाव लड़े हैं? हाँ सर पहली बार। तो पहली बार चुनाव लड़े तो बहुत सारे लोग सरपंच जब युवा हुए तो बहुत सी उम्मीदें जुड़ जाए लोगों के लिए, तो थे जब ये ग्राम पंचायत के मान सरपंच के रूप में चुना गया तो उसके बाद में थनसों पहली यानी कौन सी समस्या दिखी कि अभी बिल्कुल तुरंत तरीके से त्वरित तरीके से भी हटानी है और नए सर फिर जगह सुविधा तो हुआ कि गाँव में रोड पानी की सुविधा नाली और गंदा पानी को निकास के लिए मेन सुविधा है और सबसे इसे मोस्टली हुआ है कि मूलभूत आवश्यकता पानी सबके घर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो मैंने जहाँ पे उपलब्ध हुई वहाँ पे ट्यूबवेल भी कराया। मेरा नाम विजेंद्र काजला है और मैं मूल रूप से धर्मशाला पंचायत को हूँ जो कि बेरी की नजदीकी पंचायत है। हाँ को जो को 2 साल और 2 महीना को जो को पीरियड है वो तो अच्छे गए है कि मैं तो आज सोचूँ कि राजस्थान में जगह दूसरा सरपंच आज निर्वाचित हो यही मान आज प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक 25 साल को युवा सरपंच एक युवा सोच और केवल सोचनो ही नहीं दिन धरातल पर लगातार करके दिखाणो। शायद सब पहले यहाँ के दिमाग में आएगी अगर कोई रात बेरात में कोई आदमी बीमार हो जाए, कोई लेडी कोई डिलीवरी वाली है और है कोई एक्सीडेंट है, तो मैं आज चाहूँ कि भी आदमी की हर संभव मदद हो है, जान बचाए वो जल्दी में जल्दी ठीक हो। तो ऐसे की एम्बुलेंस सेवा दे रखी है, वहाँ को जो छोटू ड्राइवर है वो रात में भी अगर 12 बजे भी बिन कह दियो तो वो 10 मिनट का मां आग लगन पहुंच जाल और बिन जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा होला। तो भी वो जान बचने को बचाने को जो सरपंच जी को तरीको है शायद एम्बुलेंस मेरे साबुन तो जी मेरी जानकारी है शायद राजस्थान में आज तक शायद सरपंच कोई दी को नहीं, तो शायद पहला सरपंच ही रात बिरात में जी कोई बीमार हो जाए और हो जाए तो बी के लिए ग्राम पंचायत का मान असार्वजनिक है मतलब और एक मान जी एक अभी तो आपने किराए को लेकर तो वो कहीं सर सब बड़ी बात यही है कि किराए तो दूर की बात है, ड्राइवर ने आ कह रहा है कि तेल भी आपां मेरे गोजा मुझसे डलवाऊंगा आग ला खातर आपान को निकलना है, यानी पूरो को पूरो सिंगल एक एक पीस है जो को ऐ दी ही और वो आपको निजी खर्चा पर है सारो को सारो काम, इन कोई पंचायत को कोई बजट नहीं है, सारो आपकी पॉकेट मनी से दे रहे हैं। वो एक अठेजिया थे देख रहे हो ट्रैक्टर है ये ओके सिस्टम है इके लिए इको सिस्टम वो है कि हर संडे ट्रैक्टर और ट्रॉली गाँव में जाए और जटे जटे भी कचरा का डस्टबिन रखे रही बैठा सो ट्रैक्टर ट्रॉली से वो कचरा उठाए के और 12 जटे जोड़ा में जगह है बटे बिन डाल दियो जाए। गांव में ते चाल एक बार देखो अति साफ सफाई मिलेगी, पहली नाले वाले में कचरो बहुत रहे तो अब एकदम यह लगे जानो दिवाली सी रहे गांव कमाए एकदम रोजाना। आ देखो सर आ है कि मान लो जो ही सरपंच बने सादे में जाता तो जगह खास रूप से गरीब आदमी हा मैं अगर अपन नॉर्मली एक वाटर टैंकर हो तो भी 1500 या 2000 रुपया भी लागे आंख आ दिमाग में आई कि भाई क्यों ना 1500 या 2000 रुपया आप बचावा कोई का जना आपकी तरफ से वाटर टैंकर लार दियो और इम सब बड़ी बात है 1 रुपये तो अली को नहीं, बाकी अगर इन बरवाणो भी है और कठाऊ भी बरवाए तो भी अगर बराए का कोई पिसा ले तो वह पिसा भी ऐ दी। हाँ जब मेरे परिवार में एक शादी ही तो मैं एक मेरा भतीजा ने शादी के 5-4 दिन बाद में बुझो यार तेरे परिवार वाला कत्तो तो न्यू तो गालो जब वो मन मजाक में कह है बोलो विजेंद्र चाचा जी मेरा सौ ज्यादा न्यू तो बेरी वाला सरपंच सुखराम जी गाले तारा सो भी ज्यादा ते परिवार का हो तो मैं कहो क्या बोले ते तो 500, 700, 1100 गाल दिया उसी अगर वो वाटर टैंकर में दूसरा मिले तो मेरे को 2100 रुपये ले तो इको मतलब सरपंच जी मेरा 2100 रुपये न्यू तो गाल रही तो आप पूरी की पूरी सुविधा बेरी और धर्मशाला दोनों के लिए है बस ही मतो ही है आप पहली बुकिंग करवा दें और शादी ब्याह में नहीं अब तो इन छोटा मोटा जहाँ कोई न्याण जड़वाए गाँव में कोई सार्वजनिक काम है कटे कोई मान लो छोटा मोटा कोई उद्घाटन वगैरह है तो भी पहले ही करा कि करने की जरूरत को नहीं है मेरे टैंकर उपलब्ध हो जाएगा उठे आपकी बार जो लंपी वाले रोग चले ना गाय के लिए तो भी के लिए कम से कम ट्रैक्टर से गाँव में 400 गाय गिरी है जटा भी सूचना मिली बटाई ट्रैक्टर पूछा तो और बाय गाय डाली और सीधो भीड़ कमाए पहला तो जेसीबी से 4-10-15 खाड़ा को डालिया बाग में 4
कि मैं दो इन पांच गिरवाना के बाद तो साथियों आज का जो वीडियो है आज की स्टोरी है थनकेंगे लगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और साथ साथ में चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि टाइम टू टाइम आप अपनी देसी भाषा में जो खबरें हैं आसपास की हैं कि इंस्पिरेशन स्टोरी बताने मिलती रहे। देखता रहो जल को सीकर, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।